मेकअप ऐसा एक माया जल है, उधर कोई भी किसी इंसान को भी खूबसूरत बना सकती है। हाँ मतलब उम्र वाले को जवान, काले को गोरा, मोटे को पतला, कुछ भी बना सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मेकअप बहुत बुरा है करके, मैं भी मेकअप बना के ही अभी आपको साथ वीडियो कर रही हूँ। सब लड़की लोगों को शौक रहता है मैं खूबसूरत दिखने का करके, यही मेकअप के वजह से किसी को धोखा दे के अंधेरे में बंद करना ठीक बात है। हाँ गाइस, इसी कहानी की बेसिस आपको आज मैं इसको आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ, आपको ये स्टोरी क्या है देखने के लिए मेरे व्यू चैनल तक एंड तक आपको। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा स्कूट लाइफ, आई एम प्रेरणा प्रभु। आज की इस कहानी सुन के आपको हद तक के लिए थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, थोड़ा हंसी भी आ सकता है। हाँ इतना भी क्या इंसान बेवकूफ या पागल के रह सकता है क्या? इस अभी तो ये घटना 10 महीने के पीछे एक तमिलनाडु की जगह में रचा है। वो क्या कहानी करके हम लोग ज़्यादा देर किए बिगैर आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ, चलिए आ जाइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक तमिलनाडु की कहानी है। इस कहानी एक विक्टम माता है, पहला उसका नाम हम लोग रखेंगे हरी करके। हरी एक अच्छा खासा एमएनसी कंपनी में सैलरी, अच्छा बहुत अच्छा खासा सैलरी लेके वो बहुत बड़ा वेल सेटल्ड था। कुछ हद तक के लिए वो बहुत वेल मतलब स्टेटस भी उसका अच्छा था, मतलब रिच था वो। तभी हरी तलाक ले लेता है। हरी का शादीशुदा जिंदगी ज़्यादा दिन तक घर नहीं रह पाई, इसलिए हरी ने क्या करता है अपनी बीवी से डिवोर्स लेके उसको कुछ महीना बीत जाती है और कुछ सालों भी बीत जाती है। तभी हरी की माँ, उसका नाम है इंद्राणी, वो बताती है बेटा देखो तुम्हारा डिवोर्स होके बहुत दिन हो चुका है, महीना भी बीत चुका है, कब तक के लिए अकेला रहोगे? एक ना एक संगाती आपको ही चाहिए, ज़िंदगी को और एक मौका देव करके उसने समझाती है और कुछ हद तक के लिए उसको प्रेशराइज भी करती है दूसरी शादी करने के लिए। तभी हरी ने बोलता है ठीक है माँ आप लड़की देख लो करके दूसरा शादी होने के लिए हरी मान जाता है। तभी इंद्राणी सोचती नहीं है, एक शादी करने वाला ब्रोकर से जाके कांटेक्ट करती है, बोलती है कि मेरे उसे कहती है हमको एक लड़की चाहिए मेरे बेटे के लिए, शांत सुशील स्वभाव की रहती भी चलता है और गरीब घर की भी चलता है, क्योंकि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम लोग भी उसको सब कुछ पहना के हम लोग उसको अच्छे तरह से रख सकते हैं और दिखने में भी खास दिखने का करके ज़रूरत नहीं है, 31 साल की उम्र की लड़की को हम लोगों को मिलाओ और हम मेरा बेटे को संगाती बन के उसका सपोर्ट बना के उसका जीवन अच्छा खासा बना के चली, तो बस ऐसा लड़की है तो मुझे पता हो करके बोलती है। ऐसा बोल के इंद्राणी उधर से चली जाती है अपने घर को। तब होता है शरण्या की एंट्री। ये शरण्या कौन है पता है? पुत्तूर करके एक गांव की ये लड़की है। इसने हरी के बारे में सब कुछ जानती थी। हाँ हरी के बारे में इसने सब कुछ जानती थी। इसका उम्र था 52 ईयर्स। ये सुन के आप चौंक गए हैं ना? हाँ यही कहानी भी आगे आगे की था तक किस कहानी जाते हैं करके देखते जाइए। शरण्या की उम्र थी 52 ईयर्स। शरण्या ने एक 30 उम्र वाली जैसा मेकअप करके अपने एक फ़ोटो लेके उस ब्रोकर को देती है, इस फोटो इंद्राणी को दिखाओ करके। तभी उस ब्रोकर उसको थोड़ा पैसे के लालच भी करती है उस ब्रोकर को। ब्रोकर क्या करता है, थोड़ी लड़कियों की फ़ोटो और उसमें वो इस शरण्या की भी फ़ोटो लेके इंद्राणी के पास जाता है, जाके उस फोटो को देख के आता है। तभी इंद्राणी को ज़्यादा हद तक मतलब थोड़ा लड़कियों का फ़ोटो देखती है, तभी उसको कुछ भी कौन सा भी लड़की पसंद नहीं आती है। इधर क्या होता है सुनो, उसको शरण्या ही पसंद आती है। इसका शरण्या का गुड लक या हरी और इंद्राणी का बैड लक पता नहीं है। तब यह शरण्या उसको पसंद आती है, उस शरण्या के फ़ोटो लेके इंद्राणी ब्रोकर के पास चली जाती है। तभी इंद्राणी पूछती है मुझे इसका
डिटेल्स पता हो, मुझे ये लड़की बहुत मेरे बेटे को बहुत पसंद आई है, बहुत सुशील जैसे दिख रही है करके इंदिरा ने उसके बारे में जानकारी के लिए ब्रोकर के पास जाकर, तभी ब्रोकर एक छलावा रचता है। देखिए माँ जी, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसकी माँ बाप जाने के बाद उसका रिश्तेदारों ने पूरे के पूरा उसका प्रॉपर्टी हड़प के इसको अकेले छोड़ दिया है या अकेले रहती है, इसके पीछे कोई नहीं है करके ब्रोकर एक चलावा रच के उसमें इंद्राणी के सामने रख लेता है। तभी इंद्राणी बोल सोचे बिगर इंद्राणी ऐसा फैसला लेती है, कोई बात नहीं है, भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, मुझे ये लड़की चाहिए मेरे बेटे को, मेरे को इस तरीके से मेरे बेटे का शादी करवाना चाहिए, फिक्स करो करके बोल के उस फोटो को हरि को दिखाती है। हरि भी गाय के जैसा अपना सर हिला के हाँ माँ मेरे को भी ये मतलब ये लड़की पसंद है करके उसने बोलता है, शादी भी सब कुछ फिक्स हो जाता है। शादी के दिन इंद्राणी जो कुछ भी जेवरात बनाई थी शरण्या को देख के अच्छा खासा शादी बनाता है। उस शादी में किसी को भी एक तिल तक पता नहीं चलता है शरण्या 52 ईयर्स उम्र वाली जैसा है, वो दिख रही थी 30 उम्र वाली जैसा। शरण्या रिस्क लेके रचाए हुआ चलावा पे शरण्या जीत जाती है, मतलब शादी हो जाती है। हो के बाद शरण्या इधर एक्साइटमेंट में पूरा अपना सुहागरात का इंतजार कर रहा था। सुहागरात के टाइम पे उसको थोड़ा अनयूजुअल फील होता है, ये सच में 30 साल की कन्या ही है या ये बुढ़ी औरत है करके उसके मन पे, क्योंकि दो जो कुछ भी उसके मतलब फ्रेशनेस शादी का दिन था शादी का टाइम पे आज वो फ्रेशनेस क्यों नहीं है करके उसको थोड़ा अनयूजुअल फील होता है। तभी हरी फिर से सोचता है नहीं ये मेरा बहम होगा, क्योंकि शादी के तकान के वजह से मेरे शरण्या ऐसा लग रही लगता है और किस किसी का बॉडी का जीन्स होगा करके उसने उस इसको नेग्लेक्ट करके एक कैंडल लाइट की डिनर की तरह उस हरी का स्वागत हो जाता है। तभी सुबह कल सुबह शरण्या हरी उठने से पहले ही जल्दी उठ के फिर से वही मेकअप तोप के शरण्या उसका सासू माँ के पीछे आगे पीछे घूमती है। कुछ हफ्ते बीत जाता है, तब धीरे धीरे इंद्राणी को अपनी बहू शरण्या पे शक होना स्टार्ट होता है। सच भी कितना देर तक आप छुपा सकते हैं, एक ना एक दिन सामना आना ही पड़ता है, वो भी इतना बड़ा जो कितना दिन तक छुपा सकते हैं। एक दिन इंद्राणी अपने बहू को बहुत गौर से देखती है, तभी सोचती है ये तो 30 ब्रोकर ने बोला था ये 30 साल की है करके, इसको देखा तो मेरे से ज़्यादा इसका एज हुआ जैसा दिख रही है, क्या हमारा पास बहुत बड़ा धोखा हुआ है क्या करके इंद्राणी अपना ही मन पे सोच के हरि के पास जाती है। हरि को बोलती है तुम्हारा शादी होके 1 हफ्ता हुआ है, तूने तुम्हारा बीवी को सही से गौर से देखा है क्या करके पूछती है। तभी हरि देख क्योंकि हमारा पास कुछ तो धोखा तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये 30 साल उम्र जैसे नहीं दिख रही, मेरे से भी ज़्यादा उम्र वाले जैसे दिख रही है, हमारा पास तो कुछ तो धोखा हुआ है, थोड़ा चेक करो करके इंद्राणी हरि को बोलती है। तभी हरि बोलता है ऐसा कुछ नहीं है माँ, मेरे को भी सुहागरात के दिन मुझे अनयूजुअल फील हुआ था, मैंने एक एक तो लोगों का शरीर की जींस ही ऐसा होता है, इसका बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो और परेशानी मत हो जाओ करके हरि अपनी माँ इंद्राणी को समझाता है। ये सब बातें सुनकर शरण्या सोचती है इंद्राणी कब तक हमारा साथ रहेगी, मुझे आगे इतना ही प्रॉब्लम करते रहेंगे, इस इंद्राणी को मेरे रास्ते से हटाना पड़ेगा, इंद्राणी को करके सोच के हरि के पास आती है। देखो तुम्हारा माँ के उस मतलब हरि के माँ के बारे में भला बुरा कहती है, हम लोग दूर चले जाएंगे या तुम्हारी माँ को दूर रखना पड़ता है करके। तभी हरि ने 100 कॉल्ड की शरण्या की बात सुन के अपनी माँ से दूर चला जाता है शरण्या के पास रहने के लिए। तभी उसके हरि का काम था सुबह जाने का और देर शाम को घर पर लौट के आने का, ये सब बात जानती थी कौन शरण्या।
तभी एक दिन बक कहती है मुझे बाहर नहीं जाने का, क्योंकि मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरे को सन के वजह से मेरा स्किन बर्न हो जाती करके ऐसा ही झूठी कहानी रच के फिर से हरी को उल्लू बना लेती है। तभी फिर से हरी हाँ हो सकता है करके उसका ये बात सुन के उसने चुपचाप रह जाता है। सुबह उठते ही वो काम पे जाता था, उसके पहले मेकअप बना के शरण उसके सामने रह जाती थी, और उसके बाद शाम को वो आने से पहले फिर से मेकअप लगा के उसके साथ खिलखिला के हंस हंस के उसका स्वागत करती थी। ऐसा ही दिन जाते रहा, और शरण्या ने उसका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर भी पूरा के पूरा उसका ही इस्तेमाल करने लगी, उसका ही कब्जा बना के रखने लगी। उसको रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था। तभी वो सोचती थी मुझे क्या चाहिए, वो सब कुछ मैं ले सकते, मुझे रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था। इस सोच में शरण्या अपना ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन 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 सच ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है, सच ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकता है। उस दिन क्या होता है, देर शाम को आने वाला हरी उस दिन जल्दी घर पे आ जाता है। तभी आते ही उसका घर के आंगन में एक औरत को देखता है, बहुत बुढ़ी औरत को देखता है। गाड़ी पार करके वो कौन है करके पूछने से पहले वो औरत उधर से गायब हुई थी। कुछ समय के बाद इंद्राणी पूरे की पूरा मेकअप डाल के अंदर से एंट्री होती है। तब हरी पूछता है बाहर बैठी थी वो औरत कौन है करके। तभी शरण्या बोलती है मुझे पता नहीं, मैं तो अभी अंदर से बाहर आ रही हूँ आपका आवाज़ सुन के, कोई नेबर होगी वो सब छोड़ दो, तुम हाथ पाओ मतलब मुंह हाथ धो के खाना खाने को आ जाओ करके बोल के शरण्या किचन के अंदर चली जाती है। तभी हरी को इधर कुछ तो मिस हो रहा है करके ऊपर के ऊपर सोच में पड़ जाता है। तभी वो सोचता है मेरी बीवी विदाउट मेकअप से इतना भयंकर जैसा दिख रही है, या मेरा बहम है करके वो सोचता है। लेकिन उस दिन क्या होता है, उसने जल्दी से खाना खाता है और जल्दी से सो जाता है। कल सुबह शरण्या उठने से पहले ही हरी उठ के उसका चेहरा देखता है, देख के हरी का पेड़ के नीचे खिसक जाती है, ताकि वो पूरे की पूरा वो फिर बुढ़ी औरत की जैसा दिखती है वो औरत। तभी हरी सोचता है इतना दिन तक मैंने इस बूढ़ी औरत के साथ मेरा दिन गुजरा था, मेरा माँ का बात सुने बगैर इस औरत को नहीं समझा कि मेरे माँ को छोड़ के मैं इसका साथ आया था करके हरी को बहुत बहुत गिल्ट फील में होता है अपने माँ को छोड़ा हूँ करके। बहुत सोच सवाल के उसको पूरे के पूरा धंग करके लेता है। उसके बाद हरी दिखाता नहीं है मेरे को सच पता है करके, और इंद्राणी से कहता है तुम्हारा आधार कार्ड दे दो, कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम पे करने का है करके। तभी शरण्या ने आके आधार कार्ड अपना आधार कार्ड हरी को देती है। हरी फिर से आधार कार्ड देख के शॉक जाता है। हाँ, उसमें उसका एज के जगह पे उसका एज था 52 ईयर्स, और पति के नाम के जगह रवि कुमार करके किसी का नाम था। तभी हरी पूछता है ये सब क्या है करके। तभी शरण्या फिर से एक छलावा रचती है, अरे गवर्नमेंट के सर्वेंट क्या काम अच्छे से करता है, जो कुछ भी हम मैंने डेट ऑफ बर्थ दी थी वो सब कुछ गलत छाप लिया है, मैंने इसको सही करवाना चाहती थी लेकिन वक्त ही नहीं मिला इसलिए वो सही नहीं हो पाया करके उसको एक झूठी कहानी सुना देती है। और भी हरी को पता चल चुका था मेरी बीवी 30 उम्र की नहीं है, वो पूरी की पूरा 52 ईयर्स उम्र की ओल्ड एज वाली है करके। तभी हरी ने उस आधार कार्ड लेके किसने उसको ये रिश्ता लेकर आया था ना वो ब्रोकर के पास जाके दो चमाट मार के उसको पूछता है तूने मेरे साथ इतना बड़ा खेल कैसा रचाया, और मेरे से कितना बड़ा धोखा देके उस बूढ़ी औरत को मेरे से शादी कैसा करवाया करके उसको बोलता है। देखिए सर, मैं भी उसको विदाउट मेकअप से नहीं देखा हूँ, मेरे को भी वो मेकअप करके दिखी थी, उसने फ़ोटो दी थी, थोड़ा पैसा दी थी, इस फोटो को तुमको दे दो करके, इसलिए मैंने पैसे से आशा पे मैंने वो फोटो आपकी माँ इंद्राणी को दिखाया था। तभी हरी पूरे की पूरा
ये हो शौक में पड़ गया था, उसको पूरा के पूरा वो हो चुका था, अरे अभी मैं क्या करूँ करके, और ज़्यादा देर नहीं करता अपना माँ इंद्राणी को सब कुछ करना। तभी उसकी माँ इंद्राणी आती है और उसके गांव के पुलिस स्टेशन पे जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, मतलब शरण्य के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। कंप्लेंट दर्ज करते ही उधर और एक रहस्य बाहर आता है। वो क्या है बोला तो, ऑलरेडी शरण्या दो शादी करके उन लोगों को फंसा के, उन लोगों का पैसा पैसा सब कुछ हड़प के, उन लोगों को धोखा दे के भाग चुकी थी। उसको ढूंढ रहे थे हम लोग, और तीसरा शिकार तुम बन गए हरी करके उसको बोलता है। और एक और पुलिस बोलता है, और एक बात हरी, इतना बड़ा धोखा तुम्हारा साथ हर दिन होता था, हर दिन तुम्हारे उसके साथ उठना बैठना सोना खाना सब कुछ करता था। एक मेकअप के डाल के 52 ईयर्स की एक उम्र वाली 30 उम्र के जैसा दिखा था तुमको, अभी तक इतना बड़ा धोखा तुम्हारे साथ हुआ था, अभी तक तुमको पता नहीं चला करके पुलिस ने हरी का मजाक उड़ा लेते। तभी हरी की माँ और हरी कहता है, नहीं सर सिचुएशन ऐसा था, मेरे को भी थोड़ा उम्र हुआ था, मेरे को भी शादी करवाने का था, सेकेंड मैरिज मेरा पहला डिवोर्स हुआ था, मेरे को भी एक संगाती चाहिए करके मैं सोचे बिगर उसका पूरा डिटेल्स निकाले बिगर अर्जेंट अर्जेंट में शादी करके मैं फंस गया करके हरी बहुत गिल्ट फील होंगे। उसके साथ इंद्राणी भी बहुत रोती है। देखिए ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आप कितना सहन पाते हो, ऐसा ही धोखा देने वाले लोग भी ज़्यादा धोखा देते जाते हैं। इसके लिए आपको बताती हूँ, जो कुछ भी आपको लेने से पहला, मतलब आपको आपका घर पे एक होम मेड मतलब हेल्पर को लेना चाहते हैं या किसी काम को रखवाना चाहते हैं, पूरा उसका आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा कहानी घट सकता है। प्लीज़ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इस वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए और 100 तो लाइक बना दीजिए। ऐसा ही कहानी मैं आपके साथ लेकर आऊँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको ऊपर दिख रहा है होंगे, आप मेरे को उधर से भी DM कर लीजिए। आपको इस कहानी पसंद आए तो प्लीज़ 100 तो लाइक करवा दीजिए। थैंक यू गाइज़।